बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के फिनाले से पहले एल्विश यादव के सपोर्ट में आए ये चीफ मिनिस्टर और एल्विश यादव को लेकर कही ये बड़ी बात। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिग बॉस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया है जब पॉलिटिशियन किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट को खुलकर सपोर्ट करने आ जाए, लेकिन अब पहली बार एल्विश यादव की एंट्री ने इस तरह से घमासान युद्ध का माहौल क्रिएट कर दिया है, जिसके बाद एल्विश के सपोर्ट में न केवल टेलीविजन इंडस्ट्री, बॉलीवुड या फिर हो पॉलिटिक्स, अब बीजेपी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एल्विश यादव को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। एल्विश को सपोर्ट कर दिया है और बता दिया है विनर। फिलहाल के लिए आपको बता दें, एल्विश यादव को न केवल पॉलिटिक्स, हर एक इंडस्ट्री से जमकर सपोर्ट मिल रहा है। विराट कोहली हो या फिर एमएस धोनी, बड़े बड़े क्रिकेटर एल्विश यादव को विजेता बता रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का। हाल फिलहाल ही धोनी ने भी ये बात साफ की थी कि उनको लगता है कि बिग बॉस ओटीटी में इस बार एल्विश यादव जीतना चाहिए, क्योंकि उस लड़के में दम है बिग बॉस जीतने का। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि एल्विश यादव जैसे यादव साहब अब बिग बॉस में गए हैं और मैं चाहूंगा कि वो जीत कर निकले, क्योंकि एल्विश यादव में वो सारे दमखम हैं। एल्विश ने वो पूरी जान डाल दी है बिग बॉस में। जो बिग बॉस बिल्कुल ठंडा पड़ा था, ये सीजन भी फ्लॉप होने जा रहा था, और अब ये सीजन इतना बड़ा हिट हो गया है कि इस सीजन के सामने बड़े बड़े शोज फ्लॉप हो रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरे के पूरे क्षेत्र से ये गुहार लगाई है कि वो एल्विश यादव को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और एल्विश को विजेता बनाए बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का। फिलहाल आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या है आपका ओपिनियन योगी आदित्यनाथ के इस रिएक्शन पे, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और भी इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब